देखें, कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करना आपकी सैम्पलिंग होती है, और क्वांटाइजेशन क्या होती है, इंटेंसिटी को कन्वर्ट करना आपकी क्वांटाइजेशन होती है। तो ये दो प्रोसेस मिलके क्या करते हैं, डिजिटाइजेशन करते हैं किसी भी इमेज का, सिग्नल का, ठीक है। वो उस इमेज को, सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बना देते हैं, ठीक है। अब देखें सैम्पलिंग होती कैसे है, कैसे हम सैंपल लेते हैं और क्वांटाइजेशन कैसे होती है, ये हम डिस्कस करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या किया गया है, ये एक सिग्नल है, ठीक है ना, वोल्टेज का, किसी भी चीज़ का एटसेट्रा सिग्नल है। तो यहाँ पे ये देखें इसके सैंपल्स बनाए गए हैं, ठीक है। सैंपल्स मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी सैम्पलिंग हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी सैम्पलिंग हो गई, यानी कि आपने क्या किया कि उसके कोऑर्डिनेट्स के सैंपल बना दिए कि यहाँ यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। देखें ये क्या हो गया, इसकी इस सिग्नल की क्या हो गई, सैम्पलिंग हो गई, ठीक है। ये सैम्पलिंग हो गई, हमने इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब देखें हमारा जो भी सिग्नल होता है या इमेज होती है हमारी, वो एक्स का मा वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये हमारे क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्स। देखें हमने क्या किया कि ये इस सिग्नल की सैम्पलिंग कर ली, ठीक है ना, छोटे छोटे उसके पार्ट्स बना लिए, उसके पीसेस बना लिए, यानी उसको हमने मार्क कर दिया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब हमें पता लग गया कि फलां जगह पे इसका ये वाला कोऑर्डिनेट है, फलां जगह पे इसका ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी फिलिंग कर देंगे। फिलिंग मतलब सिंपल सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम मार्क कर देंगे कि ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सिर्फ हम उसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर देंगे, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी उसके बाद हम फिल करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल इमेज के थ्रू देता हूँ कि कैसे हम इमेज इमेज को मार्क करते हैं और उसके बाद उसकी इंटेंसिटी लगाते हैं। अब देखें ये वाली हमारी एक है ना एनालॉग इमेज है, ठीक है, जिसमें क्या है, एक सपोज करें बैलून टाइप की आपकी इमेज दिख रही है, इसमें क्या है, कुछ कलर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी आपकी कम है, यानी कि ब्लैक कलर शो हो रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी आपकी क्या है, ज़्यादा है और वाइट कलर शो हो रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके जो पिक्सल्स हैं एनालॉग में वो हाफ फील्ड भी हैं, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे आपके हाफ फील्ड नहीं हो सकते, फुल फील्ड हो सकते हैं या एम्प्टी होंगे। अब ये वाली जो पिक्चर है आपकी, इसके डिजिटल के अंदर, यानी कि इसकी सैम्पलिंग कैसे होगी कि यहाँ पे मार्क किया जाएगा, सपोज ये वाला पिक्सल, ये वाला पिक्सल, ये वाला पिक्सल, ये वाला, सपोज कर लें आप, लाजमी नहीं कि वैसे बिल्कुल मैं मार्क करूँगा, लेकिन देखें ये क्या हो गई, मार्किंग हो गई, यानी इसके सैंपल्स बन गए, ठीक है। हमने छोटे छोटे पीसेस के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, सैंपलिंग हो गई इसकी। अब इसकी क्या होगी, क्वांटाइजेशन, यानी कि इसका इंटेंसिटी लेवल क्या है, कहाँ कहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस हिसाब से इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, फिल होगी। अब देखें ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या है, ये आपकी एनालॉग इमेज है जिसकी सैम्पलिंग हुई पहले, फिर उसकी क्वांटाइजेशन होगी। सैम्पलिंग हुई मतलब कि उसके उसको सैंपल्स में डिवाइड कर दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क किया गया, उसके बाद जो जो कलर्स थे उसके अंदर फिल कर दिए गए, यानी कि वो इंटेंसिटी उसको दे दी गई, ठीक है। ये क्या होगी, सैम्पलिंग और उसकी क्वांटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखें, ये क्या है, आपकी एक पिक्चर है जिसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं और साथ में क्या है, उसकी इंटेंसिटी लेवल भी है, यानी क्या ग्रे लेवल, उसका कलर कौन सा है। यहाँ पे देखें आपके कोऑर्डिनेट्स हैं और उनका इंटेंसिटी लेवल, यानी कि ये एक आपकी इमेज है ग्रे लेवल, ग्रे स्केल इमेज है जिसमें 0 से लेकर 255 तक आपकी इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं। तो देखें जहाँ जहाँ पे ब्लैक है वहाँ वहाँ पे 0-0 वैल्यू है, जहाँ पे कुछ लाइट ब्लैक है देखें 75, ऐसे मतलब उसकी क्या इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपका इंटेंसिटी लेवल ज़्यादा है वहाँ पे कलर आपका क्या है, वाइट है। देखें यहाँ पे वाइट है तो इसका इंटेंसिटी लेवल 255 है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे वाइट ज़्यादा है वहाँ इंटेंसिटी लेवल ज़्यादा है, जहाँ पे ब्लैक है सपोज यहाँ पे 0-0 है तो यहाँ पे देखें इंटेंसिटी आपकी ब्लैक ज़्यादा शो हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी इंटेंसिटी लेवल, यानी कि आपके आपकी इंटेंसिटी क्या है, आपके कोऑर्डिनेट्स बन गए सैम्पलिंग के थ्रू, फिर आपकी इंटेंसिटी यहाँ पे मार्क होगी क्या, क्वांटाइजेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ठीक है आपकी यहाँ पे सपोज करें ये इंटेंसिटी जो है ना वो फिल हो रही है उसी इमेज के थ्रू, ठीक है। सपोज ये कर लें आपकी एक इमेज बन गई वैसी जैसी आपकी एनालॉग थी, ठीक है, सही है। तो ये थी आपकी सैम्पलिंग और उसकी क्वांटाइजेशन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल वे के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मैनुअल वर्क किया है, मैनुअल वर्क के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है।
लेकिन कैमरा के अंदर आपका डिजिटाइजर लगा हुआ होता है जिसके अंदर आपके अल्गोरिथम होते हैं, ठीक है। वो अल्गोरिथम वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। वो अल्गोरिथम यानी कि प्रोग्रामिंग उसके अंदर एक हुई हुई है, कुछ फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, जो फंक्शंस क्या करते हैं, आपके एनालॉग इमेज को सेंस करते हैं, सेंस करने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते हैं और फिर उस कोऑर्डिनेट्स पे जो जो आपकी इंटेंसिटी लेवल है उसको फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।